खबर पिपरिया से क्षेत्र की जनता के नाम संदेश माननीय विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी द्वारा वीडियो के माध्यम से दिया गया। पिपरिया विधानसभा के सभी नागरिकों को मैं अपील करता हूं कि जैसा आपने 12 दिन अभी सहयोग किया लॉकडाउन का, बहुत बढ़िया से आपने पालन किया। हमें इसी तरह से नगर को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय हम घर पर बिताएं। किसी अति आवश्यक काम के लिए यदि हमें जाना है तो हम जाएं। जैसे मेडिकल दवाइयां हैं, खुली हुई हैं, सब्जियां शासन और हम सबके प्रयासों से और नागरिकों के प्रयासों से घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। इसलिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित रहेगा। मैं और लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी पंथ के लोग होंगे, सबसे पहले हमारा देश है, फिर धर्म आता है, फिर समाज आता है। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। मैं और तुमको भूलकर हमें अपने आप पर अभिमान करना चाहिए। हम सब एक हैं, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित इस महामारी कोरोना जैसे रोग से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, पुनः इसी तरीके से हम सहयोग करते रहें। घर से ना निकलें और जितनी बार भी नहीं घर से बाहर जाएं या घर के अंदर आएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार हाथ से साबुन से हम हाथ धोएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।